नमस्कार दोस्तों, आइडिया के फ्री एजुकेशन सेल का ऑनलाइन वीडियो लेसन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जो भी फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में और सेकंड क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट किए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन। और आप लोग ओरल में भी अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएँ, इसीलिए आइडिया ने यह पहल किया है सर्वेइंग का ऑनलाइन वीडियो लेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी ने डिमांड किया था कि आप लोगों को माइंड प्लान के विषय में अच्छे से बताया जाए कि अगर आपको उससे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे से बता पाएँ। लेकिन अगर आपको एक माइंड प्लान के विषय में अच्छे से जानना है तो आप लोगों को सर्वे से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल और थ्योरी के बारे में पहले समझना और जानना पड़ेगा। दोस्तों सर्वेइंग, माइंड सर्वेइंग दो पार्ट में होता है, एक होता है सर्वेइंग और एक होता है लेवलिंग। ये दोनों का जो संपूर्ण इस्तेमाल होगा तभी एक माइंड प्लान या सेक्शन बन सकता है। तो पहला पार्ट होता है सर्वेइंग, यानी हम लोग कोई भी पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का या फीचर्स का अर्थ के सरफेस पर एक प्रॉपर एड्रेस देते हैं। जिस एड्रेस को अगर हम लोग कोई भी स्केल में प्लॉट करके पेपर में दें तो वो उस पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन दर्शाता है। अब सर्वेइंग होता कैसा है? सर्वेइंग दो पार्ट में होता है, एक होता है सर्वे करना और दो नंबर होता है उसको प्लॉट करना। तो सर्वे करने के लिए हम लोगों को सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है और कुछ स्पेसिफाइड मेथड को यूज़ करके हम लोगों सर्वेइंग का फील्ड बुक तैयार करते हैं और सर्वे वर्क को कैरी करते हैं। जबकि सर्वे करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद, उसको कोई स्केल में कन्वर्ट करके हम लोग उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो सर्वे होता है कैसे किया जाता है उस विषय में अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग और जानना चाहिएगा दूसरा वीडियो में हम मैं बना दूंगा। पर माइंड प्लान को समझने के लिए आपको पहले प्लॉटिंग के विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग जो फील्ड का डाटा लेते हैं, डेटा जो फील्ड का लेते हैं, वो जो जनरल कॉन्वेंशनल सर्वेइंग सिस्टम है उसमें एंगुलर या लीनियर मेजरमेंट्स में हम लोग लेते हैं। अब उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन है, कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन सिंपल मैथ्स है। उसको करने के बाद हम लोग उस डेटा को एक्स वाई यानी लेटिट्यूड और डिपार्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको हम लोग कोई भी सूटेबल स्केल में हम लोग उसको प्लॉटिंग करते हैं एक पेपर में, जैसे वो दर्शाया जाए और सबको समझ में आ जाए। तो ये जो एक्स वाई है जिसको हम लोग प्लॉट करते हैं, उसके लिए हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का जरूरत पड़ता है और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम या ग्रिड सिस्टम भी जिसको कहा जाता है, उसमें हम लोग उस पॉइंट को रेफरेंस देते हैं। जैसे आप लोग इस माइंड प्लान में अगर देखिएगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है ये इसका ग्रिड लाइंस है।
हम लोगों का माइल प्लान कोल ग्रिड में बना हुआ रहता है। ये जो कोल ग्रिड होता है ये एक लोकल ग्रिडिंग सिस्टम या आर्बिट्रेटरी ग्रिडिंग सिस्टम होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का जो जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे कुछ रिलेशन में, या नेशनल ग्रिड सिस्टम है उससे कोई रिलेशन में एक आर्बिट्रेटरी ग्रिड सिस्टम तैयार करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो नेशनल प्रॉपर्टीज है, यानी हमारा जो खनिज संपदा है, उसका गोपनीयता को रक्षा कर पाते हैं हम लोग। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्केलिंग के मदद से हम लोग अपना सर्वे का जो पॉइंट है, जो कोई भी स्पेसिफाइड अंडरग्राउंड फीचर्स का वर्टेक्स पॉइंट होता है, उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग पेपर में दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा स्केलिंग के बारे में भी जानना पड़ेगा। जैसे ये जो प्लान है, इस प्लान का टेम्पलेट में आप देख रहे हैं कि इस माइंड प्लान का स्केल है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 2000:1। तो रिप्रेजेंट फैक्टर का जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो है ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। यानी इस प्लान में जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसका जो रेशियो है वो 2000:1 है। अब हम लोगों को अगर इस माइंड प्लान को पढ़ना है तो हम लोगों को 2000 का स्केल से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम लोगों का इसका रीडिंग मिल जाएगा। अगर हम लोग 4000 के स्केल में इस प्लान को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोगों का इसका प्रत्येक डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर अगर हम लोग स्केल को 500 के स्केल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोगों को प्रत्येक डिस्टेंस को 4 से गुना करना पड़ेगा। ये होता है प्लॉटिंग का सिस्टम। अब दोस्तों, ये जो प्लान होता है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना हुआ रहता है, और इसका जो व्यू होता है वो टॉप व्यू होता है, यानी व्यूअर, यानी आप अगर ऊंचा में बैठेंगे तो आपको नीचे से जमीन का प्रकृति जैसे दिखेगा, उसको बोलता है टॉप व्यू। और इस प्लान का जो भी डिस्टेंस है वो सब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जिसको प्लान लेंथ भी कहा जाता है। इस स्केलिंग के विषय में एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो नॉर्मल रूलर होता है, यानी जो नॉर्मल स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो 1:1000 होता है। यानी हम लोग अगर उस स्केल से इस प्लान का रीडिंग पढ़ने जाएंगे तो हम लोगों को प्रत्येक डिस्टेंस को 2 से भागा करना पड़ेगा। या फिर अगर हम लोग उस स्केल से इस प्लान को रिप्लॉट करना चाहेंगे तो हम लोगों को प्रत्येक डिस्टेंस को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, सॉरी। तो यह हो गया स्केल के विषय में। अब दोस्तों, अगर हम लोग इस ग्रिड को माइंड प्लान में नहीं दर्शाएंगे तो हम लोगों को क्या दिक्कत होगा? दोस्तों, अंडरग्राउंड प्लान, माइंड प्लान या वाटर डेंजर प्लान, कोई भी प्लान हो, सरफेस प्लान हो, कोई भी तरह का जो भी स्टेचुरी प्लान होता है, उस प्लान को बनने के बाद प्रत्येक 3 महीना में उसको अपडेट करना पड़ता है, जिसको क्वार्टरली अपडेट करता है। और उस क्वार्टरली अपडेट में सर्वेयर और मैनेजर को साइन भी करना पड़ता है डेट देके। तो उस अपडेट का समय जो नया करंट अप टू डेट फीचर्स, या कोई अंडरग्राउंड फीचर जैसे कोई पिलर हुआ, अपडेट फेस हुआ,
और भी कोई स्टॉपिंग हुआ ये वगैरह अगर हम लोग दर्शाना चाहेंगे तो हम लोगों को हाँ थोड़ा सा नेट में दिक्कत हो गया था। तो उसके बाद क्या होगा अगर हम लोग अपडेट करने का टाइम में कोई भी अप टू डेट फीचर्स जैसे कोई सरफेस फीचर्स हो अंडरग्राउंड फीचर्स उसको दर्शाना चाहेंगे तो अगर ये ग्रिड सिस्टम नहीं रहेगा तो हम लोगों को बहुत असुविधा होगा और हम लोग उस पॉइंट को नहीं दर्शा पाएंगे। इसीलिए हर प्लान में ये ग्रिड लाइन या ग्रिड पॉइंट रहना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा भी इसका और एक फायदा है कि अगर आपके प्लान में ये नॉर्थ लाइन नहीं रहा तो भी आप ग्रिड के इंक्रीजिंग वैल्यू से अगर आपका प्लान में नॉर्थिंग और ईस्टिंग को दर्शाया गया है तो उसका इंक्रीजिंग वैल्यू से आप प्लान में नॉर्थ किधर है ये बता सकते हैं। जैसे इस प्लान में अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ का वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा नॉर्थ लाइन जो है वो ये वर्टिकल लाइन है। तो ये हो गया ग्रिड के बारे में। अब सेकंड जो विषय है वो है नॉर्थ लाइन। सीएमआर में ये कहा गया है कि हर प्लान में मैग्नेटिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ को दर्शाना प्लान का जनरल रिक्वायरमेंट है। अगर आपका प्लान में मैग्नेटिक नॉर्थ दर्शाया गया है तो उसमें आपको जिस दिन का नॉर्थ लिया गया है उसका डेट भी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन के वजह से दिन प्रतिदिन महीना में ये बदलते रहता है। अगर ट्रू नॉर्थ है तो सिर्फ नॉर्थ का लाइन से ही आपका काम हो जाएगा। इस नॉर्थ लाइन के हेल्प से नॉर्थ के दिशा में प्लान को अलाइनमेंट करके हम लोग कोई भी प्लान को ओरिएंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस विषय में माइंड प्लान के विषय में हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो के में इतना ही। इसमें अगर आपको कुछ कमियां या खामियां आए तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।